नोट 10 लाइट, नोट 10 का डाउन वेरिएंट कह सकते हैं इसी नोट 10 लाइट को। ट्रिपल कैमरा इन द बैक, स्टाइलस एस पेन, इन्फिनिटी और डिस्प्ले, सैमसंग सुपर फास्ट चार्जिंग टेक्नोलॉजी और भी बहुत सारे फीचर्स के साथ आने वाला है यही नोट 10 लाइट। दोस्तों मैं मिलन और आप देख रहे हैं टेकी स्ट्रीट। दोस्तों एंड में वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर जरूर कर दीजिए, और दोस्तों अगर आप नए हैं और लेटेस्ट टेक्नोलॉजी अपडेट सबसे पहले देखने और अगला गिव अवे देखने हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को दबा के ऑल कर दीजिए ताकि आपको लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के अपडेट की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। और दोस्तों अभी गिव अवे कॉन्टेस्ट चल रहा है, अगर आपने डिटेल नहीं देखी है तो नीचे डिस्क्रिप्शन सेक्शन में मिल जाएगी। और दोस्तों अभी अमेजोन का सेल भी चल रहा है, ऑफर्स के बारे में जानना है तो वो भी डिस्क्रिप्शन सेक्शन में मिल जाएगा। दोस्तों नोट 10 लाइट जल्द ही इंडिया में लॉन्च होने वाला है। बेसिकली ये फ़ोन 30 से 40 हज़ार के बीच में लॉन्च हो सकता है, जहां पे यही फ्लेक्सी फ़ोन जैसे कि वन प्लस के कई सारे फ्लेक्सी फ़ोन इसी बजट के अंदर मिलते हैं, तो उसको कम्पीट करने के लिए इसी नोट 10 लाइट और एस 10 लाइट सीरीज सैमसंग ने निकाल दिए। सबसे पहले नोट 10 लाइट की डिज़ाइन की बात करें तो वैसे तो नोट 10 जैसी ही है, लेकिन बेजल्स थोड़ी बड़ी मिल जाएगी और कॉर्नर्स ज़्यादा राउंडेड मिल जाएंगे, और बैक में कैमरा प्लेसमेंट थोड़ा अलग दिया गया है। यहाँ पे एल शेप में मिल जाएगा, जो रेगुलर नोट 10 है उसमें आपको वर्टिकल शेप में मिलता है, तो यहाँ पे थोड़े बहुत डिजाइनिंग में चेंजेस मिल जाएंगे। और नोट 10 लाइट की बॉडी की बात करें तो बॉडी आपको ग्लास की नहीं मिलेगी, ग्लास और प्लास्टिक की मिक्स बॉडी मिलेगी जिसको ग्लास्टिक नाम दिया गया है कंपनी ने। और नोट 10 लाइट में कोई आईपी रेटिंग भी नहीं मिलेगा, यानी वाटर रेजिस्टेंस नहीं है ये फ़ोन, तो पानी से बचा के रखना, क्योंकि जो फ्लेक्सिबल लेवल का नोट 10 है वहाँ पे आपको वाटर रेजिस्टेंट IP68 रेटिंग मिलता है, लेकिन यहाँ पे नहीं मिलेगा। तो नोट 10 लाइट में सबसे अच्छी बात है वो है 3.5mm ऑडियो जैक, जो नोट 10 में नहीं मिलता था, तो ये मुझे बहुत ही पसंद है। 3.5 ऑडियो जैक तो देना ही चाहिए, क्योंकि नोट 10 प्लस के लिए मुझे अलग से वो कन्वर्टर लेना पड़ा था 3.5mm ऑडियो जैक के लिए, जो कहीं भी नहीं मिल रहा है। तो यहाँ पे ये एक अच्छी बात है कि 3.5mm ऑडियो जैक दिया गया है, और मेरे हिसाब से ये बहुत ही अच्छी बात है। दूसरा, यहाँ पे अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर तो मिल ही जाएगा, और एस पेन भी मिलती है जो ब्लूटूथ लो एनर्जी पे काम करती है, जो मल्टीमीडिया कंट्रोल में भी काम करेगी और एयर कमांड में भी काम करती है, और पिक्चर भी क्लिक कर सकती है, यानी जो नोट 10 में मिलती है फैसिलिटी वही भी यहाँ पे वही यहाँ पे मिल जाएगी। नोट 10 लाइट की डिस्प्ले की बात करें तो 6.7 इंच की फुल HD प्लस इन्फिनिटी ओ सुपर एमोलेड डिस्प्ले मिल जाएगी। दोस्तों ये है फुल HD प्लस डिस्प्ले, जो नोट 10 में मिलती थी वो क्वाड HD डिस्प्ले मिलती, तो यहाँ पे थोड़ी कटौती की गई है, लेकिन ये अच्छी बात है कि एमोलेड तो डिस्प्ले मिल रही है, तो ये एक अच्छी बात कह सकते हैं। नोट 10 लाइट में कैमरे की बात करें तो ट्रिपल कैमरा सेंसर्स मिल जाएंगे बैक में, जहाँ पे प्राइमरी कैमरा दिया गया है 12 मेगापिक्सल का f1.7 लेंस के साथ आएगा, जहाँ पे ऑप्टिकल इमेज स्टेबिलाइजेशन और इलेक्ट्रॉनिक इमेज स्टेबिलाइजेशन का भी सपोर्ट मिल जाएगा। दूसरा जो कैमरा दिया गया है वो 12 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड एंगल सेंसर मिल जाएगा, जो f2.2 लेंस के साथ आएगा। और तीसरा और आखिरी जो कैमरा है वो 12 मेगापिक्सल का टेलीफोटो लेंस दिया गया है, जो f2.4 एपर्चर के साथ आया, और वहाँ पे भी ऑप्टिकल इमेज स्टेबिलाइजेशन का सपोर्ट मिल जाएगा। फ्रंट में 32 मेगापिक्सल का f2.2 एपर्चर का कैमरा दिया गया है, जो सेल्फी और वीडियो कॉल्स के लिए दिया गया है। फ़ोन में रियर में 4K वीडियो 30fps से रिकॉर्ड कर सकते हैं, और फ्रंट में फुल HD वीडियो ही रिकॉर्ड कर सकते हैं। यहाँ पे थोड़ी कटौती की गई, जो फुल HD वीडियो है वही रिकॉर्ड कर पाएंगे फ्रंट में, जो नोट 10 में 4K वीडियो भी रिकॉर्ड कर पाते हैं, तो यहाँ पे ये एक ठीक ठाक बात है। नोट 10 लाइट के अंदर परफॉर्मेंस की बात करें तो 10nm प्रोसेस पे बना हुआ प्रोसेसर मिल जाएगा, एक्सिनोस 9810 ऑक्टा कोर प्रोसेसर मिलने वाला है इसी फ़ोन के अंदर, और दोस्तों कई सारे मार्केट के अंदर स्नैपड्रैगन का प्रोसेसर भी मिलने वाला है। रैम की बात करें तो 6 और 8 GB के रैम का ऑप्शन मिल जाएगा, और स्टोरेज की बात करें 128 GB की स्टोरेज ऑप्शन मिल जाएगी, और माइक्रो SD कार्ड के जरिए आप 1 TB तक स्टोरेज को एक्सपांड कर सकते हैं। तो परफॉर्मेंस में तो ये डाजू होने वाला है, और 35 से 40 हज़ार के बीच में अगर आता है तो वन प्लस 7T को कम्पीट कर सकता है ये फ़ोन। नोट 10 लाइट के अंदर OS की बात करें तो One UI 2 पे चलता है ये फ़ोन, जो बना हुआ है Android 10 पे, तो ये बहुत ही बढ़िया बात कह सकते हैं, क्योंकि Android 10 का यहाँ पे अपडेट तो दिया हुआ है, बहुत ही बढ़िया बात कर सकते हो। One UI 2 काफ़ी ऑप्टिमाइज़ किया गया है, मैंने एस 10 में देखा है, बहुत ही बढ़िया चलता है। और दूसरी यहाँ पे ये बात करें बैटरी की, तो यहाँ पे 4500mAh की बैटरी मिल जाएगी, और उसको चार्ज करने के लिए सुपर फास्ट चार्जर भी मिल जाएगा, जो सैमसंग की प्रोप्राइटरी टेक्नोलॉजी है वही चार्जर सपोर्ट यहाँ पे मिलने वाला है। और दोस्तों बैटरी बड़ी दी गई इसीलिए इसका जो वेट है वो 199 ग्राम तक जाता है, तो थोड़ा हैवी है फ़ोन, लेकिन बहुत ही बढ़िया कह सकते हैं। यहाँ पे जो ये सेगमेंट जो 30 से 40 हज़ार का सेगमेंट था, वहाँ पे सैमसंग का कोई फ्लेक्सिप लेवल का फ़ोन नहीं कह सकते, लेकिन ये आ गया है फ्लेक्सिप लेवल का फ़ोन, जो बहुत ही बढ़िया कॉम्पीट कर सकता है वन प्लस और दूसरी कई सारी ब्रांड्स को, जो 30 से 40 हज़ार के बीच में जो फ्लेक्सिप लेवल के स्पेसिफिकेशंस देती है।
और इसकी प्राइस शायद आ सकती है 35,990 आ सकती है। और दोस्तों आप क्या सोचते हैं इसी नोट 10 लाइट के बारे में, और आपको कौन सा फीचर अच्छा लगा नोट 10 लाइट का? और दोस्तों एस पेन तो मिल ही रही है, सभी फीचर्स के साथ मिलने वाली है। और दोस्तों ये जो फ़ोन है, बेसिकली जो नोट 10 सीरीज़ के फ़ोन्स होते हैं जो फ्लैगशिप लेवल के, तो वो एक बिजनेस यूजिंग के लिए होते हैं, और इसकी जो कॉस्ट है वो बहुत ही अफोर्डेबल नहीं होती, यानी जो स्टूडेंट लोग हैं वो यहाँ पर यूज़ नहीं कर पाते वो फ़ोन। तो यहाँ पर सैमसंग ने ये बहुत ही बढ़िया किया कि नोट 10 अगर आपको एस पेन भी यूज़ करनी है तो इसी 35,000 से 40,000 के बजट में आप एस पेन भी यूज़ कर सकते हो, अफोर्डेबल भी कह सकते हैं इसी फ़ोन को, अगर बहुत ही बढ़िया दूसरे फ्लैगशिप फ़ोन की बात करें तो एक अच्छी बात कह सके। दोस्तों आप क्या सोचते हैं इसके बारे में मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, कौन सा फीचर अच्छा लगा वो भी कमेंट में ज़रूर बताएं। और दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिए, और दोस्तों अगर आपने है और लेटेस्ट टेक्नोलॉजी अपडेट सबसे पहले देखना और अगला वीडियो देखना है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को दबा के ऑल कर दीजिए ताकि आपको लेटेस्ट टेक्नोलॉजी ऑसम अपडेट की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ ग्रेट डे एंड कीप स्माइलिंग।